बात करेंगे प्रारंभ के चार राशियों की। मेष राशि, ग्रहों का संयोग बन रहा है, घर में शांति और सुख का वातावरण होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी विघ्न बाधाएं होंगी, मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, लगेगा कि हमारे कैरियर में एक बड़ी रुकावट है, बड़ी परेशानी है, लेकिन आपको भयभीत और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही ये संकट के बादल छटेंगे। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। घर से नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी बार क्या होता है, अब घर की उपेक्षा करते हैं, परिवार की उपेक्षा करते हैं, और घर क्या है, घर मंदिर है, तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो कहीं हम कॉफ़ी शॉप में ना करें, कहीं होटल में ना करें, कहीं किसी नए कार्य की जो भी मांगलिक शुरुआत करनी है घर से शुरू कीजिए। और कार्य क्षेत्र, कार्यालय में नौकरी, कामकाज, पेशे की जगह आपको कुछ ना कुछ अच्छा शुभ समाचार आज जरूर मिलेगा। चंद्रबल भाग्योदय के आसार हैं, भाग्योदय की संभावना है, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटित हो सकता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा दृष्टि रहेगी, आज का दिन मंगलमय है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। बच्चों को लेकर के आपको चिंता रहेगी, परेशान रहेंगे, उनके कैरियर, उनकी शिक्षा, उनके भविष्य, उनके वैवाहिक जीवन, तो बहुत ज़्यादा परेशानी मत लीजिए, मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट महसूस करेंगे, लेकिन आज के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, ताकि ये कष्ट कम हो। व्यवसाय व्यापार में विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि लापरवाही करेंगे यही आजीविका है, कल को ये कष्ट दे सकता है, इसलिए उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। शारीरिक रूप से थोड़ा असहज महसूस करेंगे, यानी थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, है ना गणपति, उनका स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कर्क राशि, घरेलू कलह से सावधान रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा, राहु, शुक्र, ये जो एक युति बन रही है, एक संयोग बन रहा है, ऐसे में आपको घरेलू समस्याएं आपके आगे पीछे घूमेंगी। परिवार में सामान्य रिश्ते बनाइए, यदि आप बाहर बड़े आदमी हैं, परिवार और घर में नहीं है, उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए कि परिवार में आपके विचार, आपकी भावनाएं परिवार के अनुकूल हो। कार्य क्षेत्र में सोच समझ करके बोलिएगा, आज ऑफिस में या अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं तो आप सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि आपकी एक बोली आपका नुकसान कर देगी। शादी होने की संभावना, विवाह के संयोग बन रहे हैं, जिन लोगों की आज राशि ये राशि है, उनको प्रयास करना है विवाह के लिए, जहां बातचीत हो रही है बातचीत को फिर से बढ़ाइए, जहां रिश्तों की बनाई हो चुकी है वहां भी एक बार टटोल के देख लीजिए, क्योंकि शादी का विशेष योग बन रहा है। शुद्ध सनातन धर्म में खंडित देवता की पूजा तो नहीं की जाती है, आप मालूम है किसी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके अंग खंडित होने के बावजूद उनकी पूजा की जाती है, और देवा नाम अति प्रिय, भगवान गणेश जी समस्त देवों में प्रिय हैं। गणेश जी का सिर तो एक हाथी का है, हाथी का जो मस्तक मंडल सूंड, जिसे काटने के बाद उसे व्यवस्थित किया गया था, उनका एक दांत भी टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं। गणेश जी का दांत दरअसल परशुराम जी के युद्ध के दौरान उस वक्त खंडित हो गया था, जब उन्होंने परशुराम जी को मिलने से रोका था, परशुराम जी उनसे मिलना चाहते थे। कथा के मुताबिक, कथा के पौराणिक कथा है, कथा के अनुसार विष्णु के अवतार परशुराम जी भगवान शिव के भक्त थे, और उनके दर्शन के लिए जब वो कैलाश पर्वत पे गए, गणेश जी ने उन्हें द्वार पे ही रोक दिया, और क्रोध में आकर के परशुराम जी गणेश जी पर अपने फरसे का प्रहार कर दिए, और प्रहार करने से उनका जो दंत था वो क्षतिग्रस्त हो गया, एक दांत टूट गया, इसलिए उनको बाद में भगवान विष्णु ने गणेश और परशुराम जी के युद्ध को रोका जा करके। और साथ ही आपको पता है कि इसी से वो एक दंत के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान गणेश जी का एक नाम लंबोदर भी है, लंबोदर क्यों पड़ा आइए जाने। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, मोदकम परमम प्रियम, मोदक प्रिय गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, नीचे से आप देखिए उनका पेट का आकार बहुत बड़ा रहता है, इसी वजह से उन्हें लंबोदर, जिनके उदर लंबे और भारी हो वो लंबोदर कहलाते हैं। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है
कि उनका यह नाम कैसे पड़ा होगा लंबोदर। इस कारण ब्रह्म पुराण में कथा मिलती है, इसके अनुसार गणेश जी माता पार्वती का दूध पीते थे। दूध तो हर बच्चा बालक पीता है, उनकी एक आदत थी। यह देख करके पिता भगवान शंकर जी ने एक दिन विनोद भाव में कहा कि तुम इतना दुग्ध ग्रहण करते हो, कहीं लंबोदर ना हो जाओ। भगवान शंकर जी के इस कथन के बाद ही गणेश जी का एक विशेष नाम लंबोदर पड़ गया। इसके अलावा गणेश जी के लंबोदर होने के पीछे एक कारण और भी बताया जाता है कि जिसके अनुसार भगवान गणेश जी सभी प्रकार के अच्छे बुरे बातों को पचा लेते हैं, यानी विष भी पी लेते हैं। इसी वजह से उनको लंबोदर के नाम से जाना जाता है। विष पीने का मतलब है कि व्यक्ति के समस्त प्रकार के पाप को ग्रहित कर अपने आशीर्वाद से उसके पाप को नष्ट कर देते हैं। तो अच्छा बुरा सब ग्रहण करते हैं, सर्वप्रिय इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों में उनको सबसे पहले उनका आवाहन किया जाता है कि हे लंबोदर, हे एकदंत, हे विघ्नहर्ता, हमारे इस कार्य को परिपूर्ण कर दीजिए, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन प्रशस्त हो जाए। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपीथ जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम श्री गणपतये नमः। अब बात करेंगे अगली चार राशियों की। सिंह राशि, ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा, घर में शांति और सुख का वातावरण रहेगा, मंगलमय दिन रहेगा, परिवार में सामंजस्य रहेगा और आपको आपके कार्यक्षेत्र में ऑफिस में भी प्रगति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, लोगों से सहयोग मिलेगा, अच्छा दिन बीतेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को नियमित कीजिए, लेकिन क्योंकि ग्रहों के आगे ऐसे कुछ संयोग बन रहे हैं, अगर आप नियमित व्यायाम नहीं कीजिएगा, तनावपूर्ण जीवन जीने की चेष्टा कीजिएगा, तो फिर शारीरिक कष्ट उत्पन्न होगा। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। धोखा, आज धोखा हो सकता है, ग्रहों के संयोग, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको कष्ट दे सकता है, मित्र कष्ट दे सकता है, तो धोखे से आप सावधान रहिए और परिवार में संयम और शांति बनाए रखिए और मन को भी शांत रखिए, क्योंकि आज मन शांत रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। जब मन अशांत हो जाता है तो दिमाग काम करना, बुद्धि विवेक एकदम छीण हो जाता है, फिर आप गलत फैसले लीजिएगा। और विवाद से आपको दूर रहना है तो क्रोध से दूर रहिए, मन को शांत रखिए। अब व्यवसाय पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यवसाय भी प्रभावित होगा, मन शांत रहेगा तभी व्यवसाय होगा। बात करेंगे तुला राशि की। धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है, रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, धन वृद्धि के संयोग, कहीं धन को लेकर के मामला चल रहा है तो वो मामला आपका सुलझ जाएगा, धन प्राप्त होगा। अपनों से, मित्रों से लाभ होने की संभावना है, कहीं ना कहीं से उनसे भी लाभ हो सकता है। और यात्रा के संयोग बन रहे हैं, यदि आप यात्रा नहीं करना है, यात्रा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद करना है, तो आज ही यात्रा का संकल्प कर लीजिए, दिन मंगलमय होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। पारिवारिक सामंजस्य पर ध्यान देना होगा आपको, परिवार का विघटन हो सकता है, विवाद, समस्या, परेशानी, बैठ करके आपसी मामलों को सुलझाइए, थोड़ा समय दीजिए। बच्चों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों पर हम अक्सर सोचते हैं ये ध्यान देने के विषय ही नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा विषय है। पूत कपूत तुका धन संजय, पूत सपूत तुका धन संचय, संतानों पर ध्यान दीजिए। भाग्योदय होगा और कार्य क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि का संयोग बन रहा है, बहुत अच्छा दिन होगा, धैर्य रखिए, विवेक शक्ति से अपने दिन को काटिए। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्त्रे सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्वजन स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्रीमोम स्वाहा। ओम सिद्धि विनायकाय।